ना डरेगी ना सहमेगी, ना मिटने देगी अपनी हस्ती, सम्मान पर आ जाएगी तो टकराएगी स्त्री शक्ति। वेलकम टू स्त्री शक्ति, स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत। हमारी आज की मेहमान के बारे में कुछ बताने से पहले या उनको यहाँ पर बुलाने से पहले मैं उनके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने स्विमिंग की तो ऐसी की कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बाइकिंग की तो ऐसी की कि बाइकर ऑफ इंडिया का खिताब जीत लिया। कार रैली में हिस्सा लिया तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर 1,700 किलोमीटर की रेड द हिमालय और डेजर्ट स्टॉर्म जैसी मुश्किल रैलीज को पार कर इतिहास रचा। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। ये है अर्जुना अवार्ड विजेता दीपा मलिक। तो ये है हमारी आज की मेहमान, जिनके मेडल्स, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनाते सुनाते पूरा एक एपिसोड ही खत्म हो जाएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा, बट शी इज अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये जो भी करती है बस कमाल करती है। तो चलिए मैं आप लोगों को हमारी आज की मेहमान से मिलवाती हूँ। प्लीज वेलकम दीपा मलिक जी। दीपा जी, मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ हमारे इस स्त्री शक्ति के मंच पर। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, चौंक गए आप लोग? कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है जब हम किसी नामुमकिन चीज को मुमकिन होते हुए देख लेना, तो ऐसा ही होता है। दीपा जी की उनकी उपलब्धियों के बारे में लोग सुनकर जानकर पहले इसी तरह से चौंक जाते हैं, फिर उसके बाद वो इनसे प्रेरित होते हैं और फिर एक दिन इनके फैन हो जाते हैं। दीपा जी, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है, बहुत सारी बातें करनी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे स्टूडियो में बैठे लोगों को भी आपसे बहुत कुछ जानना होगा। लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को सिक्के का दूसरा पहलू, या यूं कह सकते हैं कि सफलता के पीछे का संघर्ष दिखाना चाहती हूँ। आइए एक बार फिर से देखते हैं दीपा जी की उन्हीं झलकियों को, लेकिन इस बार नजरिया थोड़ा सा अलग होगा। इन पहियों से इन पहियों तक जिंदगी खूबसूरत है। Who needs legs? जब मैं लो फील करती हूँ तब मैं कुकिंग करती हूँ। पीने के लिए बहुत से बहाने हैं और एक चीज जो जिंदगी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है मेरे लिए वो है चाय।
दीपा जी, आपने साबित कर दिया है कि असली ताकत शरीर में नहीं होती है, दिल और दिमाग में होती है, सोच में होती है। तो मैं मेरे लिए और हमारे यहाँ पर बैठे दर्शकों के लिए ये जानना चाहती हूँ कि बिलो चेस्ट ये जो बॉडी पैरालाइज्ड है, ये पैदाइशी है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई हादसा? जी नहीं, जिस हिसाब से मैं मोटरसाइकिलें चलाती हूँ या कारें चलाती हूँ, घर में सभी को लगता था कि शायद कोई एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, लेकिन एक्सीडेंट कुदरती है। पहला ट्यूमर जो मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे रीढ़ की हड्डी के बीच में आता है, तो वो 6 वर्ष की आयु में आया और बीमार हुई, सर्जरी हुई, इलाज हुआ, एक्सरसाइजेज हुई, लगभग 9 वर्ष की आयु में जाके 3 साल बाद मैंने दोबारा चलना फिरना सीखा। और 1999 में लगभग 15 साल पहले वो ट्यूमर्स दोबारा आए और दोबारा पैरों में कमज़ोरी आने लगी, और MRIs के बाद पता लगा तो फिर 2 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए लगभग 20-22 घंटे के, और डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं पहले ही मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि MRI में क्लियर दिख रहा था कि ट्यूमर की वजह से नर्व एंडिंग्स बहुत डैमेज हो चुकी हैं और गुंजाइश नहीं थी कि सर्जरी के बाद, ट्यूमर रिमूवल के बाद मैं दोबारा चल पाऊँगी। 15 साल हो गए अब इस कुर्सी पे, और सर्जरीज स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स की वजह से, जिनका इलाज आज तक चलता है, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी सर्जरीज के बाद अब दोबारा ऑपरेशन वो नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं सर्जरीज अब, तो ट्यूमर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स भी साथ साथ चलते हैं। 29 साल की उम्र में दीपा जी की ज़िंदगी में ये जो घटना घटी, भगवान ना करे अगर ऐसी घटना किसी और इंसान के साथ घटी होती, तो या तो वो शायद अफसोस, निराशा या ना उम्मीदगी में चला जाता और इस पैरालिसिस को अपने जीवन का अंत मान लेता। लेकिन दीपा जी ने इस चुनौती को मील का पत्थर बना लिया और शुरुआत की एक नए सफ़र की। दीपा जी स्विमिंग, बाइकिंग, जेवलिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और कुकिंग, मतलब इतना कुछ ऐसी हालात में करना, ये थोड़ा सा अकल्पनीय लगता है। इतना मल्टी टैलेंट आप में आया कहाँ से? आई थिंक एक बिल्कुल छोटी सी पंक्ति में कहूँ कि लव फॉर आउटडोर्स। मुझे ये कहा गया कि आपका जीवन अब एक बिस्तर पे व्यतीत होगा, आप चल नहीं सकती, आपका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं अपनी दोनों बेटियों की आंखों में एक अपंग माँ की छवि लेके नहीं जीना चाहती थी। बिल्कुल सही। और मैं उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनके साथ जुड़ना चाहती थी। जी। तो क्या हुआ, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, लेकिन व्हीलचेयर पे रह के भी एक बंदा फिट रह सकता है, एक पर्सन के तौर पे रह सकता है, ज़रूरी नहीं है उसे ताउम्र पेशेंट की नज़र से देखा जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जी। और एक फिजिकल चैलेंज आपने कैसे सामना किया इस बात का? देखिए, जिस इंसान को पानी भी मांग के पीना हो, जो बिल्कुल अपनी बॉडी चेस्ट के नीचे हिला भी ना सके, तो उसके लिए तो एक माइनर एक्टिविटीज़ डे टू डे इतनी चैलेंजिंग हो जाती है, और ऊपर से फिटनेस पे ध्यान देना तो डेफिनेटली बहुत चुनौतीपूर्ण है। डाइट का खास ध्यान रखना पड़ता है, कितना खाना है, कब खाना है और कितना पानी पीना है, क्योंकि ब्लैडर मैनेजमेंट करना पड़ता है। कम पिएंगे तो नुकसान, ज़्यादा पिएंगे तो कपड़े गीले। एक्सरसाइजेस में भी मदद की बहुत ज़रूरत होती है, और चूंकि स्पाइनल इंजरीज हैं तो हर एक्सरसाइज बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। हर मूवमेंट को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि जॉइंट डिसलोकेशंस, मसल पुल या टियर इंजरी को हम बहुत प्रोन रहते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। जी। मुमकिन है, और मैं उसका साक्षात एक स्वरूप हूँ। मुझे ये कहा जाता है कि अक्सर व्हीलचेयर पे देख के कि बीमार है, और मैं कहती हूँ हाँ, मुझे खुश रहने की बीमारी है। दीपा जी, आप एक बेटी हैं, एक पत्नी हैं, एक बहू हैं, एक स्पोर्ट्स वुमेन हैं, इन सब के साथ साथ आप एक माँ भी हैं। जी। इस प्रॉब्लम की वजह से माँ की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैं सर्जरी के लिए जा रही थी। क्योंकि कारगिल की लड़ाई चालू थी, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं और वो उस वक्त उस लड़ाई में पोस्टेड थे। जी। तो जब मुझे
सर्जरीज में जाना था, चलती हुई हालत से पैरालिसिस की हालत में आना था। तो मेरे हस्बैंड तो लड़ाई के मैदान में थे और दो छोटी बच्चियाँ, एक 3 साल की, एक 6.5-7 साल की। अरे मेरे ख्याल से एक खूबसूरत टीम वर्क जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसके सहारे हमारा परिवार आगे बढ़ा। सबने अपना अपना थोड़ा योगदान दिया, थोड़ा मैंने भी टेक चार्ज किया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पहले क्या था उसको सोच सोच कर इतना रोते हैं कि वर्तमान की स्थिति को एक्सेप्ट करने में इतना वक्त लगा देते हैं। जी बिल्कुल सही। तो आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है कि आप किसी बात को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपके हस्बैंड कारगिल में लड़ रहे थे जी, और आप यहाँ अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। बिल्कुल। और आप दोनों फाइटर हैं और दोनों जीत गए। हाँ, और इसका सेलिब्रेशन भी किया क्योंकि जब 10 साल हो गए थे कारगिल की लड़ाई की जीत के और 10 साल मेरे पैरालिसिस को हो गए थे, तो मैंने हिमालयन कार रैली में 19 महीने अपने लाइसेंस के लिए लड़ाई लड़ के बाकायदा एक रैली लाइसेंस दुनिया में पहली बार उस रैली के लिए लेकर और हिमालयन कार रैली करी थी उसको सेलिब्रेट करने, और उस रैली का रूट कारगिल के थ्रू था जी। तो दैट वाज कहते हैं ना, उसका एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन था कि कारगिल के 10 साल हुए थे और मेरे पैरालिसिस के 10 साल हुए थे, और उन सबको मात करते हुए उस जीत को मनाते हुए मैंने वो पहली बार वो हिमालयन कार रैली करी थी। इस बात पे तो एक जोरदार तालियां बनती है। जिन हालातों में लोग हताशा और निराशा की बातें करने लगते हैं, उन्हीं हालातों में दीपा जी ने हजारों लाखों को अपने लेक्चर और स्पीचेस से मोटिवेट किया है। दीपा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये मोटिवेशनल लेक्चर स्पीचेस का? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में जो हुए थे, उसके दौरान हम इंटरनेशनल जोन बना रखा था वहाँ, जो मीडिया के लोगों के लिए था, और बहुत लीडिंग मीडिया के लोग वहाँ पे अलाउड होते थे। हमें व्हीलचेयर पर देखकर एक भारतीय मीडिया पर्सन ने ये कहा कि अरे, हमारे देश के खिलाड़ी तो अभी से ही इंजर हो गए हैं, तो अभी से इंजरी में आ गए हैं तो ये क्या खेलेंगे। उन्हें कहीं लगा कि शायद कोई एबल बॉडी प्लेयर है जिसको चोट लग गई है, तो वो इंजरी की वजह से व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो खेल हमारा भारतवर्ष यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हमारे ही देश में इसकी पहचान की कमी है कि हमारे खेल भी होते हैं। एक जिम्मेदारी ये महसूस हुई कि जितने मैं ये लेक्चर्स लूँगी या जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी, तो एटलीस्ट उतने लोगों को हमारे खेलों के बारे में पता चलेगा। तो दीपा जी की बातों से सहमत होकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंसान का शरीर पैरालाइज हो सकता है, लेकिन उसका हौसला और उसकी हिम्मत नहीं। जिंदगी के अखाड़े में दीपा जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई है कि एक बार तो उनको भीम का गदा एक पुरस्कार और सम्मान के रूप में मिल चुका है। किसी महिला को अगर भीम की गदा पुरस्कार में मिलती है तो कोई भी इंसान इसी तरह से चौंकेगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि उनको ये भीम की गदा पुरस्कार में कहां और कैसे मिली, तो इन सभी सवालों के जवाब दीपा जी बहुत ही दिलचस्प रूप में बताएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज की हमारी मेहमान है साहस, संघर्ष, शक्ति की मिसाल दीपा मलिक। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि दीपा जी को उनके साहस और आत्मबल के लिए एक बार सम्मान के तौर पर गदा भेंट की गई थी। दीपा जी, प्लीज़ हमें बताइए कि वो किस्सा क्या था, क्योंकि ये बात हम लोगों के लिए बहुत नई है। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि आपको इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं या इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड एंड ऑल दैट, और मैं कहती हूँ कि मेरा जो सबसे खूबसूरत और सबसे चहेता जो एक ट्रॉफी जो मेरे स्टैंड पे रखी है वो गदा है। क्या बात। और वो गदा केवल एक ट्रॉफी नहीं है समीक्षा, वो एक संघर्ष की जीत जिसे कहते हैं, एक सोच बदलने जो मैं निकली थी उस सोच को मैं बदल पाई, वो उसका प्रतीक है। और
बिल्कुल इंटीरियर हरियाणा की खाप से, गांव की खाप से एक पुरुष प्रधान ट्रॉफी, और वो दिया भी गांव में अक्सर अखाड़े में दिया जाता है या तो कुश्तीबाजों को दिया जाता है। मुझे उस दिन साफा बांधा गया, जो कि अगेन साफा अक्सर आदमियों को पुरुषों को बांधा जाता है, और मुझे वो गदा थमाया गया और ये कह के थमाया गया कि जिंदगी के अखाड़े में जो बल आपने दिखाया है ये उसके लिए हम आपको दे रहे हैं। क्या बात। दोस्तों, दीपा जी ने खुद तो जिंदगी की हर लड़ाई निडर होकर लड़ी है। इन्होंने अपने जैसे दूसरे डिफरेंटली एबल्ड लोगों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन भी बनाई। दीपा जी, मैं जानना चाहूँगी आपकी इस फाउंडेशन के बारे में। पहले तो उसका नाम मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने उसका नाम वीलिंग हैप्पीनेस रखा है। वीलिंग हैप्पीनेस जी। कोशिश यही है कि हम उसके थ्रू कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में खुशी ला सकें जो कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव की वजह से या सामाजिक दबाव की वजह से अपने ड्रीम्स नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि मेरी तमन्ना ये थी कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं या मैं रैलीज में कार चलाऊं। ऐसे हर डिफरेंटली एबल्ड इंसान के अंदर एक तमन्ना छुपी होती है, या मैं यूँ कहूँ कि बहुत सी लड़कियाँ मुझे फ़ोन कर कर या ईमेल में कॉन्टैक्ट कर कर कहती हैं कि वो भी मेरी तरह खेलना चाहती हैं, तो उनको मैं बाहर ला कर कैसे खिलाऊँ। तो ये जो फाउंडेशन है उसके थ्रू एक फिटनेस, एक आउटडोर एक्टिविटीज़, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़, कुछ ड्राइविंग स्किल्स और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, ये सब मैं डिफरेंटली एबल्ड के ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। दीपा जी, हमारी दुआएं हैं, हमारे साथ जो यहाँ स्टूडियो में लोग बैठे हैं उन सबकी दुआएं हैं आपके साथ। आप जो चाहती हैं वो ज़रूर सफल होगा। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे स्टूडियो में डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की यानी कि स्पेस्टिक सोसाइटी की डायरेक्टर मंजू चैटर्जी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे भी कुछ बातें करते हैं। मंजू जी, स्त्री शक्ति के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, आप हमें अपनी संस्था के बारे में बताइए। डॉक्टर मिठू अलूर हमारी जो चेयरपर्सन हैं, 40 इयर्स पहले ये संस्था खोले थे, क्योंकि पहले लोगों को मालूम ही नहीं होता था क्या है, व्हाट इज सेरेब्रल पॉल्सी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। सो हम सब मिलके इसी कोशिश में रहते हैं कि हम सब एक है, कोई डिजेबल नहीं है। बिल्कुल सही बात। और इंक्लूसिव होना चाहिए हर जगह पे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं और जो एबल बॉडीड हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या डिजेबिलिटी है, देयर इज़ नो मैलिस। ये बच्चे एडुकेशन करते हैं, हम लोग को बहुत सारे सहायता भी मिलते हैं। इन लोग अपना टेंथ करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में चले जाते हैं, पर रिकग्निशन नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट भी करते हैं, मदर्स को एम्पावर करते हैं, क्योंकि एक जो मदर होती है वो बचपन से एक डिजेबल बच्चे को पालती है, सब कुछ करती है बच्चे के साथ, उसको खिलाना पिलाना चलाना सब कुछ। पर वो बच्चा तो बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है, और माँ तो बूढ़ी हो जाती है। जी बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होता है, हमारी सोसाइटी ने एकदम शट डाउन, क्या करें, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती। सो हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस करते हैं कि इंक्लूसिव हो जाओ। बिल्कुल सही कहा, ऐसे बच्चों को उनकी सहायता करने के लिए उनको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो दीपा जी, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत सहमत हूँ, और जैसा मैंने कहा पहले भी कि जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ मैं अवेयरनेस का मुद्दा लेके करती हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि कमी है सेंसिटाइजेशन की, कमी है एक्सेप्टेंस की। मेरे साथ खुद बहुत बार होता है कि मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लग जाता है, फिर मुझे कहना पड़ता है मेरी टांगे सही खराब है भाई, कान तो बिल्कुल ठीक है, सुन सकती हूं मैं अच्छे से। या मैं अपने बच्चों के साथ कोई रिजर्वेशन के लिए या बुकिंग के लिए कहीं जाती हूँ तो फॉर्म वो मेरे बच्चों को पकड़ा देते हैं, वो सिंपथी कि तो मैं उनको कहती हूँ भाई हाथ भी ठीक है, इट डजंट मीन कि मैं डिमेंटेड भी हूँ या मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल भी नहीं काम करता है। बिल्कुल सही। एक बहुत अजीब सा नजरिया है लोगों का। दोस्तों, साहस, जोश, जज्बे और जुनून से भरी ये शख्सियत
जिसे हम दीपा मलिक के नाम से जानते हैं। इन्होंने हर वो काम करके दिखाया है जिसे सुनकर दुनिया अचंभित हो जाती है। दीपा जी की एक ऐसी ही एक अचीवमेंट है फैशन शो में मॉडलिंग। फिर से चौंक गए ना आप लोग, दीपा जी एक फैशन शो में शो स्टॉपर भी बन चुकी है। तो दीपा जी, ये कारनामा आपने कैसे करके दिखाया? बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया था कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आप आएंगी, तो पूछने का ढंग बड़ा प्यारा था। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि माफ़ी चाहती हूँ, मैं एक अनस्टॉपेबल वुमन को शो स्टॉपर बनाना चाहती हूँ। क्या बात है। तो खैर, मुझे खुद ही बहुत शौक़ है सजने संवरने का। मैंने अपना कोई भी शौक़ अपनी बीमारी के हवाले नहीं किया है। पहले भी मुझे बहुत शौक़ था कपड़े पहनने का, नेल पेंट्स लगाने का, बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनने का, और मैंने आज तक उसे बकाया रखा है। तो दीपा जी, आपने जो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताया है, उससे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो शादी है जी, वो एक अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज है? आपको लगता है कि मेरी अरेंज मैरिज हो सकती है? नहीं, नहीं लगता। एक बड़ा स्ट्रेंज वाक्या है समीक्षा। अरेंज भी नहीं थी, लव भी नहीं थी जी, लेकिन मोटरसाइकिल के लव ने मेरी शादी अरेंज कर दी। अच्छा, ये कैसे? ये ऐसा था कि एक यंग, वेरी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट एक यंगस्टर था आर्मी का, ओके, जो एक बहुत ही लेटेस्ट मोटरसाइकिल पे स्पोर्ट्स एरिया में रोज आया करता था, और मैं एज अ यंग वुमन जी, जब मैं उसको उस मोटरसाइकिल पे आते हुए देखती थी, तो मैं उससे चाबी मांगा करती थी कि क्या मैं इसमें चक्कर काट लूं। और फिर मैं उसकी बाइक लेके खूब घुमाया करती थी, स्टॉपी, व्हीली, स्टंटिंग, और फिर उसे वो चाबी मैं वापस कर देती थी। बस वो चाबी मांगना और चाबी देना, वो चाबी मांगना और चाबी देना। एक अनजान आदमी है, आप उससे मतलब चाबी ले लेना और बाइक चलाना, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, इट वाज मोर लव फॉर द बाइक्स देन फॉर द मैन। लेकिन फिर समझ आया कि ये वो इंसान है जो बड़े आराम से मोटरसाइकिल की चाबी दे देगा, तो अपनी जिंदगी की चाबी इसके हाथ में दे दो। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो एक चाबी में अपना दिल दे दिया जी, लेकिन आपके परिवार वालों ने उन्हें एक्सेप्ट किया या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी? नहीं, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उनका भी प्रपोजल उतना ही फनी था। वो मेरे पापा के ऑफिस में गए, उन्होंने सैल्यूट किया मेरे फादर को, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर हैं। अच्छा। और सैल्यूट करके उन्होंने बोला, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि मैं आपकी बेटी के हाथ में एक नई बाइक की चाबी दूंगा, उनका हाथ आप मुझे दे दीजिए। क्या हाथ! तो माय फादर वाज वेरी ज़ैप्ड एंड ही सेज कि ओके, दीपा हैज फाइनली फाउंड हर मैन, फाउंड हर मैन, फाउंडर, फुल टाइम लाइफ टाइम चाबी। तो आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई थी, क्योंकि दोनों आर्मी बैकग्राउंड से थे और परिवार भी अच्छा था, और इतना अच्छा है कि आज तक इस अवस्था में भी मुझे कभी एटलीस्ट अपने घर से, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस अपने इमीडिएट निकटतम परिवार से नहीं मिलता, तो आज तक भी वो एक्सेप्टेंस है। और इसमें मेरे पति का एक कहना है कि दीपा, ये बात नहीं है कि हम तुम्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, तुमने हमारा ये भरोसा जीता है। बिल्कुल सही। जो तुम खुश रहती हो, जो तुम हमेशा हंसती रहती हो, तुम्हारे आगे हर चीज़ करने का एक जो अंदर जज्बा जिंदा है, तो वो भी हमारे को बहुत एक कंफर्ट जोन देता है। मुझे खुशी है कि उस मोटरसाइकिल की चाबी में शायद मेरी जिंदगी की चाबी छुपी हुई थी। क्या बात, बिल्कुल। क्योंकि दोबारा भी पैरालिसिस के बाद जब मैं वापस इसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो वो पूरी जो फिटनेस ट्रेनिंग थी, जो जद्दोजहद थी, जो एक आउटडोर करके मुझे लोगों को दिखाना था, उसका पूरा माध्यम ही मोटरसाइकिल था। मुझे एक मोटरसाइकिल दोबारा चलानी थी, और वहीं से वो सफ़र शुरू हुआ, और फिर वो ऐसी चलाई कि वो टीवी प्रोग्राम्स में भी चलाई, रियलिटी शोज में भी चलाई, और धीरे धीरे इधर आकर मुंबई में कार रैलीज करी, तो एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स ने मेरे साथ बाइकिंग करी। स्पाइनल ट्यूमर की वजह से दीपा जी के पैर भले ही निष्क्रिय हो गए, लेकिन इनकी सोच है कि जिंदगी को गले लगाने के लिए दोनों हाथ ही काफी है। दीपा जी की इसी जिंदादिली की वजह से
इनकी फैन बनी एक ऐसी सुपरस्टार जिनके खुद लाखों करोड़ों फैंस हैं, जिनकी चुलबुली हंसी आज भी सबके दिलों में बसी है, और वो है जूही चावला। जूही जी ने इनके लिए क्या कहा है वो हम आपको थोड़ी सी देर में दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि सुपरस्टार जूही चावला भी दीपा जी से काफी प्रभावित है और उनसे प्रेरित भी है। आइए देखते हैं जूही जी ने दीपा जी के लिए क्या क्या कहा है। मैं शूटिंग कर रही थी लोनावला में, तो लोकेशन पे थे, मुझे मैसेज मिला कि कोई आपको मिलने आई है, एंड शी इज़ अ लेडी ऑन अ व्हील चेयर, सो यू नो कैन यू कम आउटसाइड एंड मीट हर। तो मैंने सोचा कोई आए होंगे, मैं आई बाहर तो आई मेट दीपा। दीपा से बातें करने लगी, आई वॉज अमेज्ड। 15-20 मिनट में मेरे आंसू निकल आए। हमें एक सर दर्द होता है तो दिन खराब हो जाता है अपना कि मैं कुछ नहीं कर सकती आज, मगर इन्होंने किस हिम्मत के साथ अपने आप को संभाला है, दूसरों को संभाला है, दूसरों का सहारा बनी है, अपने दो बेटियां हैं उन्हें बड़ा किया है और जीती हैं एक स्पिरिट के साथ, एक स्माइल के साथ, एक होप के साथ, एक कि करके कुछ दिखाना है। शी इज एन इंस्पिरेशन। स्त्री शक्ति की मिसाल और मशाल है दीपा। मैं उसे और उसकी स्त्री शक्ति को सल्यूट करती हूँ। दीपा जी, जूही जी ने आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और बल्कि मुझे आपकी स्त्री शक्ति पर बहुत गर्व भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जूही जी को कब और कैसे मिली, उनको कैसे जानती हैं आप? मैं अपने रेस्टोरेंट के वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को शूटिंग दिखाने ले गई थी। अरे वाह। तो शूट में भी मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी जूही जी से, और तब उन्होंने मुझे कहा था कि दीपा, जो तुम कर रही हो उसके लिए कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, कभी भी, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, सिर्फ कॉल करना। एंड शी इज लिव्ड अप टू इट। अक्सर लोग कह देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जूही जी की एक खासियत है कि उन्होंने कहा और वो आज तक उसे आज और आज की भी ये खासियत है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपसे कोई एक बार मिल ले वो इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, ये आपका बड़प्पन है। दोस्तों, अब तक हमने दीपा मलिक की बेमिसाल हौसलों की कहानी सुनी, पर अब हम जानेंगे उनकी कमजोरी के बारे में। गलत मत समझिएगा, बच्चे हर माँ की कमजोरी होते हैं। मैं बात कर रही हूँ दीपा जी की बेटी देविका की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। देविका, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो। थैंक यू सो मच। आप भी बिल्कुल अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर चल रही हैं, आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपने कौन कौन से मेडल्स, कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं आप हमें बताएंगे? मैंने नेशनल लेवल पे 2010 से खेलना शुरू किया जी, और मोस्टली सिर्फ जो एक मम्मी से इंस्पिरेशन मिली उसकी वजह से आई कुड टेक माय स्पोर्ट्स करियर फॉरवर्ड, और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना पहला सिल्वर मेडल हासिल किया है। ग्रां प्री के नाम से एक इवेंट होता है एथलेटिक्स का, उसमें मेरे को मुझे सिल्वर मेडल मिला है। हमें पूरा यकीन है आपके घर में इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आपके साथ है, तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली। आप हमें कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसी स्पेशल बात, मज़ेदार चटपटी सी बात जो हमें पता ही नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले एक एवी देखा था, उसमें भी आपने देखा होगा गोलगप्पा खाने के लिए जो एक बड़ा सा मुंह खुलता है वो अक्सर लड़कियों का गोलगप्पा खा के वो एक बहुत बहुत मतलब वीकनेस कह लीजिए या एक जो इनका शौक है, चाट खानी होती है। मतलब कहीं भी गाड़ी, अगर गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी चला रही हैं, तो जहाँ चाट का स्टॉल देखा वहाँ पे गाड़ी रोक के चाट खाने। ये तो मेरी भी कमजोरी है। तो उसके लिए कभी कभी हमें मतलब मदर बनना पड़ता है और रोकना पड़ता है, बिकॉज कि मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो या आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो हमें कभी रोकना पड़ता है। मतलब तो ऐसा भी टाइम आता है जब आप अपनी मम्मी की मम्मी बन जाती हैं एक्चुअली। तो ये तो हुई आपकी बेटी, लेकिन अब मैं आपके फ्रेंड शारिक जी, जो आपके साथ 11 से हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता है, इनका कोई ऐसा स्पेशल सीक्रेट। दीपा के सीक्रेट्स तो बहुत सारे हैं,
आई नीड टू थिंक कौन सा बताऊँ, बट एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है. दिवाली का टाइम आ रहा था एंड वी वर ऑल इन बर्निंग क्रैकर्स स्कूल में. एक बार दीपा ने क्लास में ही बर्न कर दिए थे और एकदम भोला भाला फेस बना के बैठ गई थी और नाम मेरे पे और मेरे कपल ऑफ कलीग्स पे आ गया था. तो दैट वाज वेरी फनी. और शी वाज अ टॉम बॉय एंड अ ब्यूटीफुल टॉम बॉय आई शुड से. तो ये तो हुई आपके फ्रेंड और आपकी बेटी की बात, लेकिन अभी यहीं पे बातें खत्म नहीं हो जाती. अब आइए देखते हैं आपके परिवार वालों ने आपके लिए क्या कहा है. वो बात मुझे नहीं अच्छी लगती जब मम्मी हमारे कवर्ड्स वगैरह चेक करती हैं. लोग उनको जैसे कहते हैं जो करेजियस और निडर, लेकिन इंजेक्शन से या सुई दिखाने से भी डर जाती हैं. आम आदमी को कभी डिप्रेशन में, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सोचते नहीं भी लाइफ खत्म है, इनसे इनके साथ इनको देख के उनको सीखना चाहिए. अगर उनका थ्रो फर्स्ट अच्छा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट थ्रो के लिए वो काफ़ी एंग्री हो जाती है कि मेरा ये थ्रो क्यों खराब हुआ है. दूसरा थ्रो इतना ज़बरदस्त करते हैं कि जिस वजह से कंट्री को मेडल ही आ जाता है. किसी मैडम को देखते हैं तो अंडा बनाना शुरू कर देते हैं. आप उनको देख के ये रिलेट नहीं करते कि ये हैंडीकैप है या ये चल नहीं पा रही है. तो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही जज्बा है ना जिंदगी जीने का. शी इज रॉक स्टार ऑन वी. दीपा जी, मैंने तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जी. मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस भी चाहती होगी, कुछ जानना चाहती होगी आपके बारे में. तो मैं अब उनको एक मौका देना चाहती हूँ कि वो अपने अपने दिल की बात जो वो चाहते हैं वो इनसे पूछ पाए. तो आप में से कौन है जो दीपा जी से अपनी अपनी बात पूछना चाहता है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके स्थिति के वजह से आपके घर वालों पर और ख़ास करके आपके मिस्टर पे बहुत असर पड़ा होगा, तो इसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? असर ज़रूर पड़ा था कि जब मेरी पहली सर्जरी तो बचपन में हो गई थी, जब दूसरी मेरी आरआर में हुई थी और मेरा ऑपरेशन के बाद एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था और कॉम्प्लिकेशन के बाद मुझे रीसर्जरी में ले जाया गया. उसके दौरान कुछ नर्व्स डैमेज हुई, कुछ ब्रेन एक साइड को सेटल हुआ. आपके फ्लूइड जी okay. फ्लूइड लीक हो गया था मेरा पूरा ब्रेन का सर्जरी साइड से. तो ब्रेन सेटल होने की वजह से मेरी स्पीच जाती रही थी. तो जो पहला असर मेरे हस्बैंड को ये हुआ था कि कोई ना जिस पति की बीवी की आवाज़ चली जाए तो उससे तो बढ़िया बात ही नहीं है. तो आई थिंक जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हमारे परिवार ने मेरी हर बीमारी को एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ और एक एक्सेप्टेंस के साथ लिया. आप भी आप कुछ पूछ जी, प्लीज़ पूछिए. हेलो दीपा मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने लाइफ में इतना सारा कुछ अचीव किया है जी, तो आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अगर आपके पैर ठीक होते जी तो आप इससे भी ज़्यादा और कुछ अचीव कर पाती अपने लाइफ में? मुझे नहीं लगता. मैं ये नहीं कहती कि मेरे पैर जब थे तो मैं कुछ नहीं करती थी. शायद एक आदत थी कि कुछ भी करूं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊं. अगर मैं एक माँ थी तो बहुत अच्छी माँ थी, एक गृहिणी थी तो बहुत अच्छी गृहिणी थी. मैं अपना घर बड़ा सुंदर रखती थी और एक आर्मी ऑफिसर की बीवी का जो भी एक रोल होता है, जैसे हमारे वेलफेयर सेंटर होते हैं या हमारे आर्मी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, लेडीज़ का वेलफेयर होता है, मैं सब में आगे बढ़कर पार्ट लिया करती थी. लेकिन अगर मैं चलती तो शायद मेरा दायरा बहुत छोटा होता. मैं वही रोल एक परिपूर्णता से निभाती रहती, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो रोल मैं निभा रही हूँ या जो मैं 12 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर घर आई हूँ और 12 बार मेरी वजह से जो झंडा है वो ऊपर गया है मेरे मेडल के लिए, तो अब लगता है कि इस कुर्सी से जो मैं कर पा रही हूँ वो शायद सामाजिक योगदान में भी बहुत बेहतर है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर है और देश के लिए मेडल जीत कर लाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी देता है. तो इस व्हीलचेयर ने और इस पैरालिसिस ने मेरा स्तर बढ़ा दिया है, मेरा ओहदा ऊंचा कर दिया है. दीपा जी, आप बहुतों के लिए हिम्मत का जरिया है, लेकिन आपकी हिम्मत का जरिया कौन है? आप खुद. कहते हैं ना, ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं. तो अपना जो एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ, एक हार्ड वर्क, एक कन्विक्शन, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा अपनी हिम्मत वहाँ से डिराइव करती हूँ. और दूसरा सबसे बड़ा हिम्मत का स्रोत है माँ होना, क्योंकि आप
एक बेटी हार सकती है, एक पत्नी हार सकती है, एक बहन हार सकती है, एक औरत हार सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हार सकती। तो कॉन्टीन्यूसली अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहना और कुछ ऐसा करते रहना कि उन्हें कभी जीवन में ये महसूस ना हो कि उनकी माँ अपंग कहलाई गई या किसी ने उनकी क्षमता पे उंगली उठाई। तो आई थिंक एक वो भी ज़रिया है कि अपनी दो स्त्रियों से जो मेरे घर में देवियाँ हैं उनसे मुझे अपनी स्त्री शक्ति मिलती है। मेरा नाम प्रीति है, मेरी एक बेटी है 10 साल की, उसका नाम प्रार्थना है। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो नॉर्मल पैदा हुई थी, कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो डॉक्टर्स को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। डॉक्टर्स ने काफ़ी फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि बच्चे को तकलीफ क्या है। जब कुछ समझ नहीं आता है तो उस बीमारी को एक अपना अनोखा नाम दे देते हैं। तो उन लोगों ने बोला इसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, स्पेशल बच्चे कहते हैं हम इनको। जब प्रार्थना को मैं फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज होती है उसके लिए क्लिनिक में लेके जाती थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ बहुत प्रकार के बच्चे आते थे, अलग अलग तकलीफों वाले, अलग अलग वर्ग से। कई बच्चे बहुत गरीब होते थे, उनके माँ बाप के पास उन बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े भी ठीक नहीं होते थे, उनको खिलाने के लिए खाना भी ठीक नहीं होता था, उनकी थेरेपी भी ठीक से नहीं करा पाते थे, दो दिन करवाएंगे तीसरे दिन एब्सेंट हो जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए। तो इन गरीब बच्चों को देखकर मुझे आइडिया आया कि हमने ऐसी संस्था खोलनी चाहिए। तो हमने एक संस्था खोली एंजल चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, बहुत काम करना शुरू कर दिए हैं और हम आशा करते हैं कि हम करते रहें ये काम। मेरा बेटा पैदाशी मतलब चल नहीं पाता है, उसे कुछ नस का प्रॉब्लम है कमर से, जिसका ट्रीटमेंट हम डॉक्टर श्रीराम भट्ट के यहाँ करवा रहे हैं पिछले 5 सालों से। अभी पहले तो ये चल नहीं पाता था बिल्कुल, और कैंची मार के पैर खड़ा होता था या बैठता था। अभी तो उसका पैर भी खुल गया है और ये कोई भी सपोर्ट पे खड़े रह के थोड़ा बहुत चल भी लेता है। प्रीति जी को हम करीब 4 साल से जान रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे के साथ साथ और भी बच्चों के लिए ये अच्छा काम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कार्यक्रम स्त्री शक्ति के द्वारा हमें मौका दिया कि हम ऐसे बच्चों की तकलीफों को आप लोगों के सामने रख पाएं, आप लोगों को दिखा पाएं, जानकारी दे पाएं कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी परवरिश आप प्यार से कर सकते हैं। ये बोझ नहीं होते, ये हमारे घर की ज्योति होते हैं। इनको प्यार से पालिए, इनको दुलार दीजिए, सब कुछ खुद हो जाएगा। अगर आपके या आपके आस पड़ोस में किसी ने समाज को सुधारने के लिए, उसकी भलाई करने के लिए या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ भी किया है और उससे एक छोटा सा ही सही पर एक सकारात्मक बदलाव आया है, तो हमें जरूर कॉल करिए या मेल करिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर आने का मौका देंगे और दीपा जी जैसे बेमिसाल औरतों से मिलने का मौका देंगे। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे उस लकी विनर का नाम जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड के सवाल के सही जवाब में एक गिफ्ट हैम्पर को जीत लिया है। हमारे पिछले एपिसोड का सही जवाब है सुनीता जी, 16 दिन की थी जब उन्हें जमीन में गाड़ा गया था। और हमारे विजेता हैं दिनकर पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र से। और अब वक्त है हमारे इस एपिसोड के सवाल का, और सवाल है दीपा जी को हमारे राष्ट्रपति के हाथों से कौन सा अवार्ड मिला था। दोस्तों अक्सर फिल्म स्टार के बारे में ऐसा सुनने में मिलता है कि उनके डाई हार्ट फैंस होते हैं, लेकिन दीपा जी के हजारों फैंस में से उनका भी एक डाई हार्ट फैन है। दीपा जी बहुत ही दिलचस्प रूप में बताएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दीपा जी के हजारों फैंस में से उनका भी एक डाई हार्ट फैन है जिसका नाम है अमोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमोल। अमोल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप दीपा जी के भक्त हो गए?
6 साल पहले मैंने टीवी पे देखा था, रियलिटी शो कर रही थी मैम। पहला मैं मिला था मैम को 5 साल के बाद मिला था, वो RFS रैली में मिला था मुंबई में। फिर उसके बाद मिला था जोगेश्वरी में, जब मैम आई थी शूटिंग के लिए। फिर अभी उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। जब पहली बार रैली में इसको इन्होंने मेरा अपडेट देखा अमोल ने, और ये देखा कि मैम आ रही हैं, तो वो रोड के एक साइड पे खड़ा हो गया और वो रैली पूरी ख़त्म हो गई। ये सुबह 6 बजे आके खड़ा हुआ, ये दोपहर के 4 बजे तक उसी जगह खड़ा रहा। और जब बिल्कुल हम लोग ख़त्म करके रैली वाइंड अप करके जा रहे थे, तब मैंने एक छोटे से इस बच्चे को आके देखा और कहा, मैडम मैं वही हूँ जो आपका हर कमेंट लाइक करता हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे मिले क्यों नहीं? बोले, मैम मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड दैट वॉज द डे आई गेव हिम एन ऑटोग्राफ ऑन हिज टी शर्ट। लेकिन अगर बॉम्बे के चारों तरफ या महाराष्ट्र में मेरा कहीं भी कोई भी एक्टिविटी होती है, अमोल एक टी शर्ट लेके वहाँ जरूर खड़ा होता है। वो टी शर्ट जिसमें दीपा जी के सिग्नेचर्स हैं, क्या वो हम देख सकते हैं? हमारे दर्शकगण सब देख सकते हैं? आप लाए हैं? ये देखिए, ये वो टी शर्ट है जिसमें पहली बार अमोल ने सिग्नेचर लिया था, ऑटोग्राफ लिया था। आप आज भी कोई टी शर्ट लेके आए हैं? आज तो मतलब दस्तूर है, मौका है। ओ वाह, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन वक्त हो रहा है जाने का। दीपा जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हम लोगों को यहाँ सभी पूरी जनता को सब लोगों को प्रेरित किया। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं? जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारी नहीं हूँ, ये सोच है दीपा मलिक जैसी महिलाओं की। दीपा जी ने साबित कर दिया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो औरों को जीना सिखाते हैं वो खुद कभी नहीं हारते। स्त्री शक्ति सलाम करता है दीपा मलिक के हौसले और जज्बे को। फिर मिलेगी हिम्मत और साहस की एक नई दास्तान के साथ, एक और मेहमान के साथ। हौसले मेरे हौसले, मेरे संग चले मेरे हौसले, हौसले मेरे हौसले, मेरे संग चले मेरे हौसले। मजबूरियां मुझको अब नहीं, मजबूर होगी अब मंजिले। हर शिखर पर तले होगा मेरे, होंगे खत्म अब हर फासले। हर कदम में तू जोश भर के चले तो शिकवे
मेरा बच्चा 7 साल का उम्र का था और उसका कपड़ा उतार के ऐसा मारा कि पूरे उसके आंग में, बहुत ही फेयर था मेरा बच्चा, तो पूरा उसके आंग में ऐसा मार्क्स वेल्ट्स जो बोलते हैं ना वैसा आने लगा। अब बच्चा रोता भी नहीं, बच्चा चुपचाप है। तो मुझे लगा कि इस वातावरण में हम कैसे आगे जी सके, मेरे बच्चों को क्या होएगा, मेरा क्या होएगा। तो बहुत टाइम ऐसा भी मैं सोचा कि ऐसा जीने से मरने का ये बहुत अच्छा है।